नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महिला सुपरवाइजर का जो पेपर हुआ था उसके बारे में। आज के पेपर की आंसर की के बारे में हम बात करेंगे। आज के इस पेपर में हम देखें तो 3 घंटे का पेपर था और जिसका पूर्णांक 200 नंबर था और प्रश्नों की संख्या थी 150। तो चलिए इसके आंसर की देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जब तक आंसर की हमारी तैयार हो रही है, कुछ जो आंसर हमारे पास आ गए हैं हम उनको देखते जाएंगे और जैसे जैसे हमारे पास आंसर आते जाएंगे हम उसके बारे में आपको बताते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरा हमारा प्रश्न है, जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है उन्हें कौन सी धातु कहते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, ऐसी जो धातुएँ होती उन्हें उभयविध धातु कहते हैं। इसका जो तीसरा क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, गिरीश शब्द का सबसे उपयुक्त संधि विच्छेद निम्न है, यानी गिरीश शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गिरी धन ईश। ये होता है गिरीश का, गिरी धन ईश, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, अधिकतर शिशु 2 से 3 वर्ष की आयु में लगभग शब्द सीख जाते हैं। तो देखिए जो ज़्यादातर जो शिशु होते हैं 2 से 3 वर्ष के, वो लगभग 500 से ज़्यादा शब्द सीख जाते हैं। तो जो 9वां क्वेश्चन है इसका आंसर होगा डी, 500। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा है, सूची ए के साथ सूची 2 को मिलान कीजिए, इसमें शब्द दे रखा है और उसका विलोम शब्द बताना है। तो सबसे पहले देखिए ए सौम्य, सौम्य का होता है उग्र, यानी ए का सही होगा 3। तो 3 ऑप्शन आ रहा हमारे, या तो ए में आ रहा है या डी में आ रहा है। अब इनमें दूसरा देखिए, समष्टि का होगा व्यष्टि, तो 2 में हो गया 1, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, 10वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप देखिए, श्यामा, श्यामा का हो जाएगा गोरी, और डी विराट, विराट का हो जाएगा शूद्र, यानी 10वां प्रश्न है उसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर नंबर ए, 10वें का सही उत्तर होगा। 11वां प्रश्न है, दाल रोटी शब्द निम्न में से किस समास का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। तो देखिए जो दाल रोटी, यानी कोई भी समास जिसमें दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दाल और रोटी, इसमें और का लोप हो रहा है, इस कारण इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। 11वें में उत्तर होगा बी ऑप्शन, द्वंद्व समास। 12वां प्रश्न देखते हैं, शब्दों के अंत में लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं, यानी जो शब्द के अंत में लगते हैं उन्हें कहते हैं हम प्रत्यय। तो इसका 12वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यय। क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु को 20% की छूट के बाद 400 रुपये में बेचा जाता है, यदि इस पर सिर्फ 10% की छूट दी जाती है तो इसका इसका जो मूल्य है विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य होता है, यानी जो विक्रय मूल्य अगर 10% की छूट दी जाती तो वो वस्तु कितने में बेची जाती। तो देखिए इसका हम 80%, यानी 20% की छूट दी जा रही, यानी कि ये 80% के बराबर, यानी इसको हम हल करेंगे तो वो वस्तु बिकेगी, 500 रुपये की वस्तु होगी और उसमें 10% की छूट देंगे तो वो बचे जो बिकेगी उसका विक्रय मूल्य होगा, सी ऑप्शन सही होगा, 450 रुपये, ये 10% छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य होगा। इस प्रकार हम देखें तो 15वां क्वेश्चन उसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 450। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए एक शब्द दे रखा है और उसका विलोम शब्द दे रखा है। ऑप्शन ए है, यानी कि जो ए वाला है कोप, कोप का जो सही होगा वो होगा कृपा, यानी कि ए में सही हो रहा है 2। और फिर बात करते हैं गुप्त, गुप्त का होगा प्रकट, यानी जो ए है ए में आएगा 2 नंबर वाला, कोप का हो गया कृपा, गुप्त का हो गया प्रकट, यानी कि इसमें होगा ये जो डी ऑप्शन है ये सही लग रहा है, कोप का कृपा, गुप्त का प्रकट, नश्वर का हो गया चिरंतन, और तम का हो गया आलोक, यानी जो ये क्वेश्चन है 16वां इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, हमारा सही होगा 2, 1, 4 और 3।
क्वेश्चन नंबर 22वां देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से आदि और आदि शब्द युग्म का सबसे उपयुक्त अर्थ कौन सा है? देखिए जो क्वेश्चन के आंसर हमारे पास आते जा रहे हैं हम बताते जा रहे हैं, सारे आंसर आपको बता दिए जाएंगे। आप वीडियो पर बने रहें, लगातार वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए इसका जो 22वां क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आदि का मतलब होता आरंभ और आदि का मतलब होता अभ्यस्त, जिसको किसी चीज़ की आदत हो जाती है उसे हम आदि कहते हैं। यानी 22वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरंभ और अभ्यस्त। क्वेश्चन नंबर हमारा 23। एक महाविद्यालय में दो प्रत्याशियों के मध्य चुनाव में एक प्रत्याशी को कुल मान्य मतों का 45% प्राप्त हुआ, 45% प्राप्त हुआ और 20% वोट अमान्य थे। यदि कुल वोट 14,500 थे तो अन्य प्रत्याशी को मान्य वोटों का कितनी संख्या प्राप्त हुई? यानी देखिए आप इसको सवाल को हल करेंगे तो जो मान्य वोटों का 45% प्राप्त हुआ और 20% वोट क्या थे, अमान्य थे। तो इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 23वें क्वेश्चन का वैसे ऑप्शन बी राइट होना चाहिए, लेकिन अभी इसको हल कर रहे हैं, अभी इसका आंसर अभी आपको बताने वाले हैं, आप वीडियो पर बने रहें। क्वेश्चन नंबर 29। ए प्लस ए बराबर आ, यह किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? तो देखिए इसका सीधा सा आंसर आ रहा है ए ओ ए, और ये जो आ है ये स्वर है, इसलिए 29वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्न में से उन खाद्य समूहों की पहचान करिए जो संतुलित आहार बनाते हैं, यानी संतुलित आहार में कौन कौन सी चीज़ें होती है? तो देखिए आप विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये भी सही है, वसा और खनिज लवण होते हैं, ये भी सही है। और आप ये आगे देखें, विटामिन और खनिज ये भी सही है, यानी डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 31 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसमें विटामिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा और खनिज लवण, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी, इसलिए इसका आंसर का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 36 क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए दालें अलाउ होती, फल सब्जियां भी खा सकती, दही दूध दही ये भी अलाउ होता है, डिब्बा बंद जूस और संरक्षित खाद्य पदार्थ इनका उपयोग नहीं किया जाता, इसके लिए मनाही होती है, इसलिए 36वां क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनसे बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। सूची ए के साथ सूची बी का मिलान कीजिए, एक तरफ शब्द दे रखा है दूसरी तरफ विलोम शब्द दे रखा है। तो देखिए इसका जो होगा उद्गम, पहला है उद्गम, उद्गम का जो सही होता है वो होता है विलय, विलोम शब्द क्या होता है विलय। प्रशांत, प्रशांत का होगा बी, ये जो दो नंबर वाला है ये सही होगा। प्रासाद, प्रासाद का होगा पर्णकुटी। और आलोक, आलोक का होगा तिमिर, आलोक का मतलब होता है प्रकाश या उजाला और इसका होगा तिमिर, ये क्वेश्चन हमारे पहले भी आया हुआ है तो ये सही होगा। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर है 40, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3, 2, 4 और 1। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 है। सूची ए को सूची बी से मिलान करना है, तो इसमें देखिए सीधा सा पहला ही है ऑप्शन समग्र शिक्षा अभियान। जो समग्र शिक्षा अभियान है उसको हम शमसा या रमसा, एसएसए, शिक्षक शिक्षा इस नाम से जानते हैं, तो ए का सही ऑप्शन होगा दो नंबर। तो ए में दो आ रहा है, सबसे सी में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप देखिए समग्र शिक्षा अभियान, इसमें बी आ रहा है, फिर आप देखें बी मातृ लाभ अधिनियम 2017, तो इसमें आएगा क्रेच आएगा क्योंकि महिलाओं के लिए बच्चे हैं उनको देखने के लिए बनाए जाते थे। जो सी है दिव्यांगजनों के अधिकार, इसके लिए 21 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। और चौथा है हमारा पूर्व गर्भधारण एवं जन्म पूर्व निदानात्मक तकनीक अधिनियम, ये बना था, इसका जो सही उत्तर हो गया ए, यानी मादा भ्रूण हत्या। यानी इसका हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी, 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। एक तरफ शब्द दे रखा है और दूसरी तरफ पर्यायवाची शब्द दे रखा है, तो इसमें देखिए आप सरस्वती, सरस्वती का पर्यायवाची होता है वाग देवी,
यानी ए में तीन सही है। और फिर बात करें पुत्र, पुत्र को कहते हैं तनुज, तनुज कहते हैं, बी में एक सही है। सोना, सोने का हो गया कनक, यानी चार सही है। और नृप, नृप का हो गया राजा। यानी हम इस क्वेश्चन का देखें 42 का, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे और हम आंसर देखने वाले हैं, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करिए, आगे के क्वेश्चन बहुत जल्द आप वीडियो आने वाला है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर टाइम से मिल जाए। जल्द वीडियो आने वाला है, वीडियो देखना ना भूलें।